हरियाणा सरकार द्वारा आज से प्रदेश के 8 जिले अंबाला, पंचकूला, पलवल, नूह, महेंद्रगढ़, गुड़गावा, चरखी दादरी व रेवाड़ी के अंदर जो सरकारी गेहूं की परचेज थी वो बंद कर दी गई है। ये बंद करना किसान के साथ जाति करने वाली बात है। 8 जिले की गेहूं की खरीद बंद करने का सीधा मतलब ये है कि हरियाणा सरकार जल्दी पूरे हरियाणा के अंदर सरकारी गेहूं की खरीद बंद करने जा रही है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था और घोषणा की थी कि प्रदेश की किसान की एक एक गेहूं का दाना मंडियों में खरीदा जाएगा और 48 घंटे में उसका उठान होगा और 72 घंटे के अंदर फसल का भुगतान किया जाएगा। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है, जो 8 जिले के अंदर आप लोगों ने जो खरीद बंद की है, हजारों किसानों का पंजीकरण गेहूं का हो चुका है और दुनिया भर की गेहूं लोगों के घर पड़ी है, तो गेहूं का जो भी परचेज है सरकार को किसान के एक एक फसल का दाना खरीदना चाहिए, अपने वादे के अनुसार उसका उठान करे और 72 घंटे के अंदर अंदर किसान की फसल का भुगतान करे, जबकि कि सरकार का जो दावा था 48 घंटे में उठान का, 72 घंटे के अंदर फसल का भुगतान का, ये पूरे दावे पूरी तरह से फैल हुए हैं। आज तक किसान को फसल जो खरीदी गई है 15-15, 20-20 दिन बीतने के बावजूद भी फसल का भुगतान नहीं हुआ। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, समय पर खरीद, उठान और भुगतान का काम किया जाए, ये व्यापार मंडल की सरकार से अपील है।